है ना, क्वेश्चन तो समझ गए। अगर हमारे पास 5 मेंबर और 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल है तो किसका क्लीवेज फास्ट होगा? वर्सेस 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल, ठीक है। तो जो क्लीवेज होगा है ना, क्लीवेज होगा वो किसमें होगा? 6 मेंबर में फास्ट क्लीवेज होगा कंपैरिजन टू 5 मेंबर, है ना। अब इसके हमको रीजन को समझना है ना, कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसको रीजन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 6 मेंबर ले लेता हूँ, है ना। ये क्या हो गया? 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल हो गया। अब मैंने यहाँ पास क्या ले लिया? कोई H पॉजिटिव ले लिया। तो देखिए, ये यहाँ पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पास हाइड्रोजन आ जाएगा। अभी हाइड्रोजन के आ जाने की वजह से यहाँ पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा? बाहर कर देगा इस बॉन्ड को। तो हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट बना, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पास मिथाइल, ये मिथाइल है ना, फिर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पास क्या आ गया? OH आ गया, है ना। ये तो 6 मेंबर का केस हो गया। अब यहीं पर हम लोग सेकेंड में क्या लेते हैं? 5 मेंबर का लेते हैं, ये क्या हो गया? 5 मेंबर, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी H प्लस लेंगे, लोन पेयर अब्स्ट्रैक करेगा, फिर क्या बनेगा? यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, है ना। अब फर्दर क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड को बाहर कर देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पास क्या आ जाएगा? मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पास क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पास OH रहेगा, है ना। ये जो ऑक्सीजन है इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है वो किस में फास्ट होगा, है ना। 6 मेंबर में फास्ट होगा कि जो 5 मेंबर में फास्ट होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या 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 आना चाहिए? बॉन्डविच रूल्स, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? बॉन्डविच रूल्स आना चाहिए, है ना। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो साइक्लाइजेशन के ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को बताता है, कि कौन सा ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा स्टेबल है, है ना। अब देखिए, अगर मैं इसके ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो इसको सबसे पहले समझते हैं, है ना। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, है ना, प्रोडक्ट तो समझ ही गए होंगे। ये क्या होगा? इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। 5 मेंबर का भी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? ये, है ना। अब यहाँ पास क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पास भी क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट ठीक है, ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, जो हम लोग रिंग का ओपनिंग करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग करा रहे हैं ये क्या रहा है, इनसाइड हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है। तो हम लोग बॉन्डविंस रूल्स में जानते हैं कि रिंग के इनसाइड जो होता है, देखिए थोड़ा समझिए बॉन्डविंस रूल को, है ना, बॉन्डविंस रूल। ठीक है, बॉन्डविंस रूल क्या बताता है, जैसे कोई भी रिंग है, है ना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो जो जैसे अगर इसने ये निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर अटैक कर रहा है, है ना, यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड का जो ब्रेकेज है वो क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, है ना, बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं, नहीं इनसाइड हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो बोलते हैं। लेकिन यही बॉन्ड का ब्रेकेज अगर क्या हो, ओपन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बस वो नहीं है, कोई भी है जिसमें क्या है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहीं बस अब ये क्या हो गया, एंडो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। लेकिन यहीं बस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पास करे और ये ऐसे अटैक करे तो बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गया, एक्सो एंडो, है ना। मैं बॉन्डविंस रूल को डिटेल में आप लोगों को रिडक्शन के लेक्चर में कराऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, ये तो हो गया। अब देखिए यहीं पास अगर जो मैंने लिया था सब्सट्रेट, है ना, यहाँ पास अगर इसका इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है हमें, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या है sp है, तो sp को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइगोनल बोलते हैं, है ना, और डाइगोनल का शॉर्ट कट नोटेशन हम लोग डिग देते हैं, ठीक है डिग देते हैं। लेकिन अगर यहीं पास क्या हो जाए sp2 हो जाए, तो sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलते हैं। और ट्राइगोनल को हम लोग किससे लिखते हैं, ट्रिक से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पास अब क्या हो जाए, sp3 हो जाए, मतलब टेट्राहेड्रल हो जाए, टेट्राहेड्रल, तो इसका नोटेशन हम लोग टेट से देते हैं, टेट से देते हैं, है ना, ये क्या है, शॉर्टकट रोटेशन है, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो क्या, कौन सा बन रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, है ना, ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चल गया, क्या है, ट्राइगोनल होगा, मतलब ट्रिग होगा, ठीक है ट्रिग हो गया। अब ट्रिग तो हम लोगों ने लिख दिया, अब ट्राइगोनल होगा तो ट्रिग दिख दिया। अब जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो कहाँ हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है, रिंग के अंदर में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंडो लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, ये sp2 है, और ये क्या है, यहाँ पर भी बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, रिंग के इनसाइड में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग लिखेंगे। कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो 5 और एंडो, इसमें भी क्या लिखेंगे, एंडो। अब देखिए जो बॉन्डविंस रूल है वो क्या कहता है उसको समझिए, है ना, बॉन्डविंस रूल, रूल नंबर 1, ठीक है, सिर्फ आप लोग इसको याद बस रखना है, बाकी मैं कॉन्सेप्ट को आप लोगों को रिडक्शन के लेक्चर में बताऊंगा। रूल नंबर ये बोल रहा है कि अगर टेट्राहेड्रल अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, है ना, मतलब यहाँ पास का हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इस बॉन्ड का, है ना, यहाँ पास कुछ भी हो सकता है ना, ऑक्सीजन कार्बन हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाता है ना, कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है। अगर यहाँ पास बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टेट्राहेड्रल है, sp2 है, टेट्राहेड्रल, तो जो टेट्राहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ऑल एंडो डिसफेवर्ड, मतलब समझ रहे हो,
अगर यहाँ बस हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है और मैं बॉन्ड का क्लीवेज करा रहा हूँ तो एंडोसाइट से क्लीवेज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसफेवर्ड करेंगे। क्लीवेज कहाँ से होगा, एक्सोसाइट से होगा। मतलब देखिए, यहाँ बस निगेटिव, अब ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये जो क्लीवेज है, बॉन्ड का क्लीवेज है, वो क्या होगा, एंडोसाइट से नहीं होगा। जो क्लीवेज होगा वो कहाँ से होगा, एक्सोसाइट से, मतलब यहाँ पर अटैक करके बाहर की तरफ निकलेगा बॉन्ड का ब्रेकेज, है ना। तो क्या होगा, वो एंडो जो है वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा, एक्सो क्या होगा, फेवर्ड होगा। रूल नंबर वन हो गया। अब रूल नंबर सेकेंड बोलता है, अगर ट्राइगोनल हुआ, है ना, अगर क्या होगा, ट्राइगोनल हुआ, है ना, तो ट्राइगोनल में थ्री मेंबर्ड, फोर मेंबर्ड और फाइव मेंबर्ड, जो एंडो है वो क्या करेगा, डिसफेवर्ड करेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ बस क्या है, ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल है और अब क्या है, एंडो है, है ना। तो जो थ्री मेंबर, फोर मेंबर, फाइव मेंबर जो रिंग बनेगा, है ना, उसमें क्या होगा, ये जो 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 थ्री फोर फाइव, ये क्या होगा, एंडो जो होगा वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा। तो देखिए, यहाँ पास क्या है, ट्राइगोनल तो है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल है और क्या है, एंडो भी है, लेकिन यहाँ पास क्या है, सिक्स मेंबर है, तो ये क्या करेगा, फेवर्ड करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, फेवर्ड करेगा। लेकिन अब हम लोग फाइव मेंबर की बात करें, तो यहाँ पर जो रूल में बताया गया है कि जो फाइव मेंबर एंडो है वो क्या है, डिसफेवर्ड करेगा। तो देखिए, यहाँ पास क्या है, ट्राइगोनल भी है और फाइव मेंबर है और एंडो है, तो ये क्या होगा, डिसफेवर्ड करेगा। ठीक है, है ना, ये डिसफेवर्ड करेगा। अब थर्ड रूल ये है, अगर यहीं बस क्या हो जाए, वो डायगोनल हो जाए, मतलब क्या हो जाए, sp हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यहाँ बस क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो थ्री और फोर एक्सो होता है, है ना, वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो थ्री और फोर जो एक्सो होता है वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा, बाकी जो भी ऑल रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो क्या होगा, सभी फेवर्ड होगा, है ना। अदर देन ऑल रिमेनिंग पार्ट इज फेवर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर, मतलब जैसे फाइव एक्सो डिग हो गया तो क्या होगा, फेवर्ड हो जाएगा। थ्री और फोर एक्सो जो क्या होगा, वो डिसफेवर होगा। थ्री और फोर एंडो हो गया तो वो फेवर्ड हो जाएगा, है ना। सिक्स एक्सो हो गया तो फेवर्ड हो जाएगा ट्राइगोनल में, है ना। सेवन एक्सो हो गया तो फेवर्ड हो जाएगा। सेवन एंडो हो गया तो फेवर्ड हो गया। थ्री फोर फाइव सिक्स जो रिंग रहेगा, रिंग का साइज क्या होगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, है ना, ये सभी क्या रहेंगे, रिंग रहेंगे, है ना। तो सिर्फ अब ये तीनों रूल को क्या करो, ध्यान में रखो। बाकी ये फेवर्ड क्यों होता है, डिसफेवर्ड क्यों होता है, मैं रिडक्शन के लेक्चर में डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग समझ गए कि किस वजह से जो है सिक्स, हम लोग सिक्स मेंबर को क्या कर रहे हैं, फेवर्ड मार रहे हैं। जो सिक्स मेंबर का क्लीवेज है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है कंपेरिजन टू फाइव मेंबर रिंग के, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने इस कॉन्सेप्ट को समझ ही लिया होगा। बाकी जो बॉल्डविन रूल है उसे मैं डिटेल में कराऊंगा, है ना, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए।